फ्रेंड्स, ये जो सांभर की क्वांटिटी देख रहे हैं ना आप, ये 200 से 250 लीटर कह लीजिए, केजी कह लीजिए, क्योंकि सब्जियां भी इसमें भर भर के हैं, देखिए। और ऊपर से कड़ी पत्ता और लाल मिर्ची का जायके जो इसमें उभर के आने वाले हैं, यू कांट इमेजिन। और सरसों तो जो फ्लेवर इसमें इन्फ्यूज करती है, उसके तो क्या ही कहने। ज़रूर ट्राई कीजिए यहाँ का सांभर डोसा। फ्रेंड्स, डोसे का नाम सुनते ज़्यादातर लोगों के मुंह में पानी आ ही जाता है। आपके मुंह में आया क्या? मेरे मुंह में तो आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं डोसे की। फ्रेंड्स, डोसा जो है ना, इसके जायके नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडिया, पूरे देश भर में फैले हुए हैं। और थोड़ा थोड़ा रीजन टू रीजन थोड़े थोड़े जायकों में, मसालों में चेंज होता रहता है। चलिए आज हम कहाँ हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम खड़े हैं चित्रगुप्ता रोड पर। ठीक मेरे सामने है रामदास स्कूल। और ये जो है ना फ्रेंड्स, जहाँ पे अभी हम डोसे का जायका का लुत्फ़ उठाने वाले हैं, ये जो है नियरेस्ट है इसके रामकृष्ण आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन। यहाँ से आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप पहुँच जाएंगे न्यू मद्रास रेस्टोरेंट। फ्रेंड्स, ठीक आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं न्यू मद्रास रेस्टोरेंट। पहाड़गंज के लोग इसे मोनिका रेस्टोरेंट के नाम से ज़्यादा बेटर जानते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर, और हमारी बातें तो डोसे को लेकर जारी रहेंगे ही। चलिए आइए। फ्रेंड्स, अगर डोसे की बात की जाए तो आपको बहुत वैरायटीज़ के डोसास मिलते हैं ऑल ओवर इंडिया। मसाला डोसा, रवा मसाला डोसा, अनियन डोसा, बटर मसाला डोसा, पनीर डोसा, रवा डोसा, और आप और भी कई वैरायटीज़ में घी रोस्ट डोसा और भी कई वैरायटीज़ में आपको ये डोसा मिल जाते हैं। तो चलिए अब मेन्यू चेक करते हैं और देखते हैं कि हम क्यों ऑर्डर करें। फ्रेंड्स, साउथ इंडियन डिशेज़ की हम बात करें तो वो डोसे तक ही लिमिटेड नहीं रहती। इसमें आपको इडली सांभर, वड़ा सांभर, और भी उत्पम, और भी कई चीज़ें मिलती हैं। तो अभी हम सोच रहे हैं हम एक मसाला डोसा और एक सांभर वड़ा लेते हैं अपने लिए, फिर हम आपको बताएंगे हमारा एक्सपीरियंस कैसा है इस लोकेशन पर। फ्रेंड्स, वेट नहीं हो रहा मसाला डोसा देख के। अब देखिए कितना बड़ा है ये पूरा मसाला डोसा, एक पूरे हाथ जितना बड़ा है। और सांभर भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, देखिए इसमें फुल सब्जियाँ पूरी लोडेड हैं अच्छे से। और ये देखिए हमारी फेवरेट नारियल की चटनी ना। और अगर हम डोसे की बात करें तो इसमें स्टफिंग जो है, देखिए कितनी अच्छी स्टफिंग दे रखी है, आलू, प्याज, मटर। तो चलिए अब बिना देर किए इसको टेस्ट करते हैं। मैंने बीच में से थोड़ा तोड़ दिया है कि हम अच्छे से स्टफिंग के साथ इसका जायका ले सकें, लुत्फ़ उठा सकें। फ्रेंड्स, मसाले डोसे के जायके का लुत्फ तो मसाले के साथ ही बनता है। ये गया चटनी के अंदर डोसा, यम यम यम। और ये आया इसके ऊपर सांभर। वाह फ्रेंड्स, लोकल पहाड़गंज में मेरा मानना है कि बेस्ट कोई साउथ इंडियन शॉप है डोसे के लिए तो यही है। आप जब भी नियर बाय हो, इस शॉप पे आए, डोसा ट्राई करें, तो आपको ये लगेगा कि आपने इससे बेटर डोसा पहाड़गंज में कहीं खाया ही नहीं होगा। मैं आपको बता सकती हूँ, आई गारंटी। चलिए अब मैं अपना डोसा फटाफट से कंप्लीट करूँ इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए। मुझे बेसिकली नारियल की चटनी के साथ डोसा ज़्यादा पसंद है, कुछ लोगों को ये वाली चटनी भी ज़्यादा पसंद है। आप बताइए कमेंट में आपको कौन सी चटनी ज़्यादा पसंद है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे, मैंने अपना डोसा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ऑन द, जैसे आप खा रहे हैं डोसा, आपको सांभर टॉपअप चाहिए, चटनी का टॉपअप चाहिए, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे टॉपअप हो जाता है। और फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरे को यहाँ का डोसा पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मेरे दादा दादी ने मेरे पेरेंट्स के साथ डोसा खाया, और फिर मैंने अपने पेरेंट्स के साथ खाया, और आज मैं खुद यहाँ पे डोसा खाने आई थी। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ना,
कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मैं ना शायद पिछले दिन में साउथ इंडियन थी, मुझे डोसा इतना पसंद है। क्या मैं साउथ इंडियन लगती हूँ आपको किसी एंगल से बताना ये भी मुझे। फ्रेंड्स हमें दुर्गा दास जी मिल गए हैं यहाँ पे और ये रेस्टोरेंट के ओनर है, चलिए जानते हैं इस रेस्टोरेंट के बारे में। ये कब से हुआ है रेस्टोरेंट स्टार्ट? नियर अबाउट 52 years, 1971 में ये रेस्टोरेंट स्टार्ट हुआ। मेरे फादर ने आपके फादर ने स्टार्ट किया, एस्टैब्लिश किया तो यहीं से स्टार्टअप हुआ है या कहीं और? यहीं से स्टार्टअप किया है। तो आप बेसिकली मतलब साउथ से आके यहाँ पे माइग्रेट हुए? मेरे फादर और आई एम बोर्न एंड ब्रॉट इन दिल्ली। ओके, फादर आपके वहाँ से माइग्रेट होके यहाँ पे आए और यहाँ पे स्टार्ट किया। ओके, तो यहाँ पे स्पेशलिटी जो रहती है सबसे ज़्यादा स्पेशल क्या रहता है? स्पेशल तो एवरीवन ही लाइक्स टू ईट मसाला डोसा, एक्सेप्ट दैट हम बहुत वैरायटीज हमारे पास डोसा, नियर अबाउट 100 वैरायटीज हैं डोसे में। कोई स्पेशल डोसा लेता है, कोई ऑनियन डोसा, कोई पनीर डोसा, लॉट्स एंड मोर। और टाइमिंग्स क्या रहते हैं रेस्टोरेंट के? टाइम्स मॉर्निंग 8 to 11, नाइट 11। ओके, इस रेस्टोरेंट को मोनिका रेस्टोरेंट के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली जब स्टार्टअप किया था तब हमने रेंट पे लिया था। ओके, तो रेंट पे जब ये शॉप का नाम था मोनिका, जब अपना परचेज हुआ उसके बाद मद्रास रेस्टोरेंट में नाम चेंज कर दिया। ओके, क्योंकि लोकल जो पहाड़गंज वाले हैं वो सारे मोनिका रेस्टोरेंट के नाम से ही आना पड़ा। बिल्कुल, जितने पुराने बंदे हैं मोनिका के नाम से, आज भी मोनिका के नाम से पहचानते हैं। मोनिका के नाम से फेमस, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। तो फ्रेंड्स जाना आपने, फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 52 years से ये रेस्टोरेंट यहाँ पे चला आ रहा है और मैं इतनी छोटी सी होती थी 4 साल की, तब से मैं इस रेस्टोरेंट में आ रही हूँ खाने के लिए। आप भी पहाड़गंज में हैं तो इस रेस्टोरेंट पे ज़रूर आइए, टेस्ट कीजिए, बहुत अच्छा डोसा मिलता है। डोसे का जो प्राइस रहता है मसाले डोसे का 90 रुपीज़ है और आप देखिए मेन्यू कितना बड़ा है, आप कुछ भी ले सकते हैं। इतने सारे डोसे की ये तो उत्पम की वैरायटी है, चाइनीज़ भी मिल जाएगा आपको, राइस सांभर राइस, रसम राइस, कर्ड राइस, साउथ इंडियन डिशेज जो रहती है वो सब मिलती ही हैं। पनीर में भी डोसे की काफ़ी अच्छी वैरायटी है, डोसा की जो प्लेन वैरायटीज तो रहती ही हैं, तो काफ़ी अच्छा है। आप कभी भी यहाँ पे हो, स्नैक्स आइटम डोसा अगर आप नहीं भी लेना चाह रहे तो आप सांभर वड़ा, इडली वड़ा, इडली सांभर भी ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। आप अपने सुझाव और जानकारियाँ मेरे साथ साझा कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, और भी कुछ अगर आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।